Hello friends, today we are going to read a poem. What is in the mailbox? Mailbox में क्या है? तो उससे इस चैप्टर में एक लड़की है जो अपने बारे में सोचती है कि जब भी डाकिया आते हैं तो उसकी मम्मी और पापा को ही चिट्ठी देता है, लेकिन उसके लिए कभी भी चिट्ठी नहीं लाता है, तो उसी की इसमें कहानी है। Have you ever received a letter? दोस्तों receive means प्राप्त करना। तो क्या तुमने कभी एक पत्र प्राप्त किया है? If you have not, यदि तुमने नहीं प्राप्त किया है, see what this child decides to do। दोस्तों decide means निर्णय लेना। तो चलो देखते हैं ये बच्ची क्या करने का निर्णय लेती है। Most always when the postman comes with letters 2 or 3, अधिकांशतः जब भी डाकिया आता है तो अपने साथ 2 या 3 पत्र लाता है। They are for my mother or my dad, but never one for me. वे सभी मेरी मम्मी और मेरे डैड के लिए होते हैं, लेकिन मेरे लिए कभी भी नहीं होते हैं। I am going to write some letters. That is what I am going to do. अब मैं कुछ चिट्ठी लिखने जा रही हूँ। अब मैं ऐसा ही करूँगी। And then my friends will answer me, and I will get letters too. तब मेरे दोस्त उसका उत्तर देंगे, तो मैं भी बहुत सारे पत्र पाऊंगी। अब हम लोग इस चैप्टर का न्यू वर्ड्स देखेंगे। लेटर्स, लेटर मीन्स पत्र, लेटर्स मीन्स बहुत सारे पत्र। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। दाओ, दाओ मीन्स हालांकि। दोस्तों अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? डाकिया पत्र किसके लिए लाता है? द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द चाइल्ड्स मदर और डैड। डाकिया बच्चे की मम्मी और पापा के लिए पत्र लाता है। डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? क्या बच्चे ने कभी पत्र प्राप्त किया है? नो, द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर। नहीं, बच्चे ने कभी भी पत्र प्राप्त किया है। What does the child decide to do? बच्चे ने क्या करने का निर्णय लिया? The child decides to write letters to his friend. बच्चे ने अपने दोस्तों को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। Talk time. Have you written letters? क्या तुमने पत्र लिखा है? दोस्तों अगर आपने पत्र लिखा हो तो आप यस लिखेंगे, और अगर नहीं लिखा हो तो नो लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा यस आई हैव रिटन लेटर्स। हाँ, मैंने पत्र लिखा है। हु हैव यू रिटन टू? तुमने किसके लिए पत्र लिखा है? आई हैव रिटन लेटर्स टू माई फ्रेंड्स एंड ग्रैंड मदर। मैंने अपने दोस्तों को और दादी को, नानी को पत्र लिखा है। Who would you like to write to today? Why? तुम आज किसको पत्र लिखना पसंद करोगे और क्यों? Today I would like to write my grandmother thanking him for a birthday gift. आज मैं अपनी ग्रैंडमदर को लेटर लिखना पसंद करूंगी, उनको बर्थडे गिफ्ट का धन्यवाद देते हुए। रीड दिस लेटर केयरफुली। इस पत्र को ध्यान से पढ़ना। देवू हैज रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। देवू ने अपने ग्रैंडफादर को धन्यवाद देते हुए, बर्थडे का गिफ्ट उसके दादा ने दिया होगा तो उनके लिए एक लेटर लिखा है। ठीक है दोस्तों, जब भी लेटर लिखा जाता है तो शुरू में हाउस नंबर होता है, कहाँ रहते हैं, और तारीख होता है। ठीक है, तो उस तरह से उसने लिख दिया। हाउस नंबर है
1792 दरियागंज में रहता है, न्यू दिल्ली 110007 ये पिन कोड होता है, ठीक है। ये कब लिखा गया है? 25 जनवरी 2006 में। डियर ग्रैंडफादर, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज। उसने अपने दादा को लिखा है कि प्यारे दादाजी, धन्यवाद पंचतंत्र स्टोरीज की बुक, इस सुंदर से बुक के लिए। यू विल बी हैप्पी टू नो डैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे। आप यह जानकर खुश होंगे कि मैं इस बुक में से हमेशा एक स्टोरी पढ़ता हूँ। विथ लव, देवू। ठीक है, लेट्स राइट। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल। अब तुम अपने दोस्त को चिट्ठी लिखो अपने स्कूल के बारे में बताते हुए। यू कैन यूज सम ऑफ दिस वर्ड, तुम इन दिए गए वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लासरूम मीन्स जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। बेल मीन्स घंटी। ब्लैक बोर्ड मीन्स तख्ता। टीचर मीन्स हमारी जो शिक्षक। बिल्डिंग मीन्स भवन। दोस्तों अब हम लोग एक लिटरेरी लिखेंगे। सबसे पहले पता होगा और उसमें पिन कोड होगा और तारीख होगा, ठीक है। तो मेरा हाउस नंबर 101/1 प्रयागराज UP 211025 21 मई 2021 को लिखे हैं। डियर रेशमी, आई होप यू विल बी फाइन। मैं आशा करती हूँ तुम अच्छी होगी। आई हैव टेकन एडमिशन इन अ न्यू स्कूल। मैंने नए विद्यालय में एडमिशन लिया है। आई एम टेलिंग यू अबाउट माई न्यू स्कूल। मैं तुम्हें अपने नए विद्यालय के बारे में बताती हूँ। द कलर ऑफ माई स्कूल बिल्डिंग इज येलो। मेरे स्कूल बिल्डिंग का कलर पीला है। माई स्कूल हैज अबाउट 40 क्लासरूम्स। मेरे स्कूल में लगभग 40 क्लासरूम्स हैं। बिग ब्लैक बोर्ड इन माई क्लास। मेरे क्लास में एक बड़ा सा तख्ता है। टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। टीचर्स जो हैं वो बहुत ही दोस्त की तरह हैं और हेल्पफुल हैं। दे ट्रीट ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली। वे सभी विद्यार्थी को इक्वली ट्रीट करती हैं। विथ लव। वर्ल्ड बिल्डिंग। हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस। यहाँ कुछ लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। लेट्स ट्राई मैचिंग ए विथ बी। चलो हम लोग ए से बी में मिलाने का कोशिश करते हैं। अ पोस्टमैन एक डाकिया का क्या काम है? ब्रिंग्स आवर लेटर्स, हमारे चिट्ठी को लाना। अ कॉबलर एक मोची का क्या काम है? मेड्स आवर शूज, हमारे जूतों को सिलना। अ लाइब्रेरियन का क्या काम है? वर्क्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में काम करना। अ ड्राइवर का क्या काम है? ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल्स। तो ड्राइवर का काम है कि मोटर व्हीकल्स में ड्राइव करना, उन सभी को चलाना। अ ड्रामेस्टिक तो इसका काम है राइट प्लेस, कहानियां लिखना। अ टीचर, टीचर का काम है टीचेस इन अ स्कूल, एक स्कूल में पढ़ाना। अ नर्स, नर्स का काम है लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, पेशेंट्स की देखभाल करना। अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का क्या काम है? प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना। एन एस्ट्रोनॉट का क्या काम है? ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में यात्रा करना। अ क्लाउन, क्लाउन का क्या काम है? मेक्स पीपल लाफ, आदमियों को हंसाना। दोस्तों अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।